कम ऑन। आज हमारे साथ आने वाले हैं प्रवीण कुमार, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, और आज हम उनके साथ करेंगे अच्छी अच्छी गपशप, नमकीन गपशप। तो चलिए, क्रिकेट ज्ञान का टूर हमारा शुरू हो गया है और हमारे साथ प्रवीण कुमार हैं। इनकी हाइट, सर आपकी हाइट कितनी है? पूरी छः। अच्छा, मेरी 5'2" और हील पहन के मैं इनके बराबर आ रही हूँ। मैंने सुना आपका हाथ बड़ा लंबा, हाथ मिलाएंगे? ओ गॉड, ठीक है। तो आज न्यूज़ रूम में इस वक्त आपको लेके जा रहे हैं, तो न्यूज़ रूम में कई सारे आपके फ़ैन्स हैं जो आपसे बड़ा कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो उन सवालों से आप कैसे बचते हैं, क्योंकि आपके कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप ऐसे पतली गली से निकल जाते हैं? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। तो चलिए पूछते हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए। अच्छा, कौन कौन इनको जानता है पहले तो ये बताओ। तो आज आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा कि इनसे सवाल कर सको, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं। कौन कौन यहाँ पर है जो सवाल करना चाहता है? रिदम तुम्हारे। हाँ, आई वॉन्टेड टू आस्क कि जैसे आप अपने टाइम में स्विंग किंग के लाए गए हैं, स्विंग के किंग, और आपके बाद भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अब इस टाइम पे करंटली आपको क्या लगता है कौन है स्विंग के किंग जब वो नहीं खेल रहे हैं? भुवि अभी तो खैर करा रहा है, बुमराह करा रहा है, दोनों तरफ स्विंग भी हो रही है, उसकी आउट स्विंग भी उसने सीख ली थी, तो अभी आएंगे लड़के। और नीचे बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है हमारी, जो अंडर 19 में भी मैंने देखे एक दो लड़के, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, मैं क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं कर रहा अभी, तो स्विंग बॉलर आ रहे हैं नीचे से। थैंक यू। क्रिकेट क्यों नहीं फॉलो कर रहे? मज़ा नहीं आ रहा आजकल? नहीं, मज़ा आ रहा है, अभी भी देख रहा हूँ, टेस्ट मैच चल रहा है, मज़ा तो आ रहा है, जीत रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि हम जीत रहे हैं इंग्लैंड से, तो नहीं फॉलो नहीं कर रहे, काम धंधे इतने बढ़ गए तो उन्हें देख रहे हैं, तो अब तो क्रिकेट हो गया, जितना खेलना था खेल लिया। अच्छा, अभी कुछ खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, आपका फेवरेट कौन है? खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, एक लड़का है जुरेल करके, हाँ वो बड़ा अच्छा है, मेरे को भी पता थोड़ा थोड़ा। और कौन सवाल करना चाहता है? आइए। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा सवाल जो है वो रोहित शर्मा से रिलेटेड है, क्योंकि मैं भी रोहित शर्मा की फ़ैन हूँ और मुंबई इंडियंस की फ़ैन हूँ। तो सर, लाइक आपने 2014 में भी मुंबई इंडियंस में खेला है, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में। अभी मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने रोहित की कैप्टेंसी से रिमूव करके हार्दिक पांड्या को रखा है, तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइक मैनेजमेंट ने अच्छा किया या नहीं किया? बहुत घुमा के पूछा इसने। नहीं, वो मैनेजमेंट का काम होता है, या फिर रोहित ने शायद मना कर दिया, देखो हम तो बता नहीं सकते, मैं या आप या हम जितने भी हम लोग तो ये बता नहीं सकते, मैनेजमेंट का हुआ होगा कुछ, या फिर रोहित ने मना कर दिया होगा कि भाई हो गया आप कर लो, उसे कह दिया हो पांड्या को कि तू कर ले, तो ये मैनेजमेंट देखता है, और कप्तान जो पहला कप्तान होता है उसके ऊपर भी होता है कि करना है आपको कंटिन्यू नहीं करना है, तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं। सर, वैसे पॉलिटिक्स हावी होती है क्रिकेट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पक्का? चलिए, और किसका सवाल है? थैंक यू। अभी हम देख रहे हैं कि स्लेजिंग बहुत कम हो गई क्रिकेट में, तो आपको क्या लगता है कि इससे थोड़ा टेस्ट मैच भी देखने में और नीरस हो जाता है कि क्या हो रहा है, एक स्पिल जा रहा है, स्लेजिंग बहुत कम हो जा रही है, उसको लेकर क्या कहना है? स्लेजिंग अभी होनी चाहिए या अब बिल्कुल वही पुराने की तरीके से कि चलो चले जा रहा मैच? अब स्लेजिंग तरीके वाले होने लगी है, पहले तो गाली गलौज हो जाती थी, अब लेकिन तरीके वाली स्लेजिंग हो गई है, तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ एक उम्र भी होती है, ठीक है, यंग लड़का कोई यंग लड़के को कुछ कह रहा है तो फिर ठीक है, अगर कोई यंग लड़का सीनियर आदमी को कुछ कह रहा है तो फिर वो गलत बात है, तो स्लेजिंग टेस्ट मैच में तो देखने को मिलती है, T20 भी मिलती है, लेकिन आप सही कह रहे हो, धीमे धीमे कम हो रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है, कम हो रही है, जैसे बोलते हैं ना जेंटलमैन गेम, तो ठीक है। जेंटलमैन गेम तो बोलते हैं, लेकिन आपने बोला कि पहले होती थी, तो पहले जेंटलमैन गेम नहीं थी? नहीं थी, हम लोग नहीं मानते थे ना, लेकिन आप लोग किस तरह की स्लेजिंग करते थे, खासतौर पर आप कैसे स्लेजिंग करते थे? नहीं, हो जाती थी, वो तो सबको पता है। अच्छा, आप कितना सेकंड मतलब बोल सकते हैं? क्योंकि आप 10 सेकंड से ज़्यादा बोल नहीं रहे, ऐसे निकल जा रहे हैं, मतलब ना। कम से कम 20 सेकंड बोल दीजिए। तो सर, आपको वैसे भी सब लोग जानते हैं कि आप दोस्तों के दोस्त हो, तो आपका वैसे पूरी टीम में सबसे ज़्यादा दोस्त कौन था? क्योंकि हमने देखा है कि रोहित शर्मा के लिए जब ऑस्ट्रेलिया में वो नेट्स के टाइम पे कुछ इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे आप सबसे पहले आ गए कि भाई तू बोल कैसे रहा तू मेरे टीममेट को। सर, आपका कौन दोस्त रहा है वैसे ओवरऑल? दोस्त तो सभी हैं, रोहित है, रैना है, RP, पीयूष,
जो सभी साथ के थे वो सभी दोस्त थे, दोस्त क्या भाई थे, सब भाई थे नहीं हैं। तो वो असल में वो लड़ाई तो सब ने देखी है, मैं उसके बारे में बार बार क्या बताऊँ। वो बहुत देर से गाली बक रहा था रोहित को, और अपने गाली बक रहे थे जी, वो इंडियन से थे हाँ, तो पी खा रखी होगी उन्होंने जो भी, तो बस उसके चक्कर में मैं क्या उसे गाली बकरे में क्या, चलो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर। आप उनको मिस करते हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको चाहकर भी मिस नहीं करना चाहते लेकिन बार बार मिस हो जाता है? मतलब जिसको चाहकर भी आप याद नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी जहन में आ जाता है, कोई है ऐसा प्लेयर? हाँ एक है, अभी अभी शायद वो इधर ही है कहीं। किधर? टीवी पे ही है शायद। किधर? सबसे ओवररेटेड प्लेयर आपके दौर पर आपको कौन सा लगता है? नहीं ये ओवररेटेड कोई नहीं होता, ठीक है, किसी को कोई कोई बड़े फॉर्मेट पे नहीं कर पाता तो उसे ओवररेटेड नहीं कहते, हो जाता है। जिस जैसे कौन नहीं कर पाता? नहीं जो यहाँ से और यहाँ से कमजोर होता है। सीरियसली अंडररेटेड कौन सा था आपके दौर? अंडररेटेड कोई नहीं था, मैं तो किसी को मानता नहीं अंडररेटेड, कोई नहीं था, कोई नहीं था। मुझे मतलब यहाँ पर वो अंश कुछ बोलना चाहता है। सर जब भी स्विंग बॉलिंग की बात करते हैं हम इंडिया में तो प्रवीण कुमार का नाम तो ऐसा है कि आता ही आता है ज़रूर, तो आपके हिसाब से अभी जो करंट लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं इंडियन टीम में, आपके हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसने किया है एज अ स्विंग बॉलर? मुझे एक वो अच्छा लगता था, एक वो था लेफ्ट आर्म अर्शदीप हाँ, वो अच्छा स्विंग होता था उसका, लेफ्टी को बाहर राइटी को अंदर दोनों तरफ स्विंग होता था। तो लेकिन लड़के और भी आ रहे हैं, वो भी अभी मेरे ख्याल में इंडिया ही खेला है शायद वो हाँ, तो वो अच्छा है स्विंग बॉलर, और भी लड़के अच्छे आ रहे हैं। बुमराह तो खैर अच्छा कर ही रहा है, बुमराह की तो बात ही क्या करें। तो नीचे भी अच्छा बॉलर है अंडर 19 में, मैं नाम ध्यान नहीं है, तो अच्छा कर रहे हैं सब लड़के। थैंक यू सर। मुझे लगता है आगे भी थोड़ा सा घूम लेना चाहिए ऑफिस है ना, तो चलिए आगे इनको क्रिकेट ज्ञान का पूरा टूर कराते हैं और न्यूज़ रूम के बाहर चलते हैं। तो सर ये हमारा है फैंटेसी शो का रूम और ये स्टूडियो है फैंटेसी शो का। आप तो सर जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जैसे आप फैंटेसी शो है तो आपकी एक फैंटेसी जो आपकी पूरी ना हुई हो वो हम आज आपको मौका देते हैं। तो ऐसा एक प्लेयर जिसको आप आउट करना चाहते थे लेकिन वो आउट नहीं हो पाया, ब्रायन लारा। तो अगर आज मैं हालांकि मेरे से पहले रिटायर हो गए थे और मैं भी चाहता था कि मैं उन्हें बॉलिंग करूँ, हालांकि मैं ही लेट में आया, मैं ही लेट आया, तो मेरे ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें बॉलिंग करता। आपसे मेरा ये सवाल है, अच्छा खाने में आपको पसंद है चीज़ें खाते अच्छा, मतलब खाना खा, पीने में क्या पसंद है? ऑप्शन दो। हाँ जी दे दो। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक या कुछ और? कुछ नहीं, और नहीं मैं चाय नहीं पीता कभी। तो क्या पसंद है? मैं देसी घी का दूध पीता हूँ। हाँ जी, और भी वो भी भैंस का गाय का नहीं, लोग तो गाय का पसंद करते हैं आजकल की वो कि गाय का दूध पीना चाहिए, पीना चाहिए छोटे बच्चों को पीना चाहिए, लेकिन लेकिन दिनों रात उससे कहते हैं कि बुद्धि बढ़ती है हमारी, हम मतलब भैंस का दूध थोड़ा वो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग कहते हैं उसे, गाय का दूध थोड़ा पतला होता है तो वो बच्चों के लिए ठीक है। लेकिन दूध तो एक टाइम हो गया ना, सुबह पी लिया सुबह शाम। हाँ जी। अच्छा मूवीज देखने का शौक है? मूवी देख लेते हैं अलग टाइप की मूवी, जैसे मनोज वाजपेयी की हो गई, नवाज की हो गई, मतलब जैसे रियलिटी हो पिक्चरों में, ऐसा नहीं है कि धूम धड़ाका चल रहा है नाच गाना, सोशल इशू के साथ है ना। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? लास्ट मूवी अब ध्यान ही नहीं है, लास्ट मूवी कौन सी? एनिमल देखी थी? ना, ये बेकारी। अच्छा चलिए कुछ फिल्मों के नाम बताती हूँ मैं आपको, बताना है कि ये कौन से क्रिकेटर पे बिल्कुल सटीक बैठते हैं। एनिमल नहीं यार, नहीं यार। अच्छा मिस्टर बेचारा? मिस्टर बेचारा ईशान किशन। रॉकस्टार? रोहित शर्मा। हीरो नंबर वन? रोहित शर्मा। और खिलाड़ी? विराट कोहली। सबसे बड़ा खिलाड़ी? विराट कोहली। वाह बहुत मज़ा आया। तो ये फैंटेसी रूम हमने आपको बता दिया और आपके साथ जो रैपिड फायर किया और जो आपसे बातचीत की उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिलहाल क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो एक मैसेज आप क्रिकेट के ज्ञान के फैंस को देते जाइए और साथ ही साथ आप ये भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब करो लाइक करो
और जो भी फैंस के लिए मैं यही सब चीज़ कहूँगा, अच्छी अच्छी बातें लिखा करो कमेंट्स में, ऊट पटांगे की बातें ना लिखा करो, और थोड़ा ध्यान दिया करो कि क्या आप लिख क्या रहे हो, लिखने से पहले दिमाग में सोच लिया करो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये बहुत अच्छी बात कही। और एक लास्ट सवाल पूछ लेती हूँ आपसे, इन सब चीज़ों का ऑब्वियसली कहीं ना कहीं असर पड़ता है दिमाग पे ना, जब कमेंट्स आपको आते हैं, ऑब्वियसली आप सेलिब्रिटी हैं, आपको 100 कमेंट अच्छे आएंगे तो 100 बुरे भी आएंगे, तो इससे जूझने के लिए मतलब इन सब चीज़ों का, क्योंकि लोगों को लगता है कुछ भी लिख दो, चाहे आप उसकी फिजिकल अपेयरेंस पे लिख दो, मेंटल स्टेटस पे लिख दो, लेकिन आप किस दौर से गुजर रहे हैं वो आपको ही पता है, तो इन सब चीज़ों से आप कैसे कोप अप करते हैं? नहीं, हम कमेंट्स पढ़ते नहीं है पहली बात, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक तो चलाते नहीं। हमने तो वो टाइम फेसबुक चलाया था जब लोगों को पता नहीं था फेसबुक है क्या, ऑर्कुट होता था। ना वो टाइम पे 2007 की बता रहा हूँ, 2007-8 की, तब लोगों को तो पता ही नहीं था फेसबुक, अब पता लगने लगी ये सब चीज़। तो सोशल मीडिया से आदमी जितना बचेगा उतना फ़ायदा है, बिल्कुल। हाँ। और ये बहुत पते की बात कही है, और ये मुझे लगता है कि हर उम्र के शख्स को जहन में रखनी चाहिए, वो चाहे बच्चा हो, चाहे मिड एज का हो, या फिर कोई भी हो, कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, और क्रिकेट ज्ञान पर इस तरह की सेलिब्रिटीज़ का आना जाना लगा रहेगा। आप क्रिकेट ज्ञान के साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।